खबर चौमू से है, जहां ग्राम काला डेरा कस्बे में शिक्षण बचाओ संघर्ष समिति की बैठक समिति अध्यक्ष हेमलता शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं पर चर्चा की गई। दिखाती है पूरी खबर। अपनी मांगों को नहीं मानने पर निजी स्कूल संचालकों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का किया आह्वान। साथ ही शिक्षा मंत्री के विद्यार्थियों से फीस नहीं वसूलने के बयान की निंदा की और सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। इस मौके पर निजी स्कूल शिक्षा समिति अध्यक्ष अर्जुन जांगिड़, नरेंद्र सिंह शेखावत, बरमुंडा आदि लोग मौजूद रहे। जैसे कि बताया गया कि हमने एक राहत पैकेज की मांग करी है। राहत पैकेज का मतलब है हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं उनको कम से कम गवर्नमेंट पूरी नहीं तो हाफ सैलरी तो दे। हमारी डिमांड ये है कि हमारे जो बच्चों की फीस है, अगर सरकार ये कह रही है कि अभिभावक ना दे, कोई बात नहीं, अभिभावक नहीं दे पा रहा, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि उस फीस को सरकार दे, जितनी दे सकती उतनी दे। हमारा ये कहना कि हमारे कोई खर्चे कम नहीं हुए, हमारी गाड़ियों की किश्तें वहीं पे हैं, हमारी गाड़ियों के डीजल्स वगैरह खाली कम हुए हैं, उसके अलावा हमारी गाड़ियों के आरटीओ है, इंश्योरेंस है, सब चीजें अपनी जगह पे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए ये रिप्रेजेंटेशन है राजस्थान का, राजस्थान के 50,000 संचालक और 11 लाख कर्मचारी। बेसिकली हम सरकार की दोहरी नीति से परेशान है। मंत्री जी ने जो बिना सोचे, जो बिना समझे एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया है कि जब तक स्कूलें नहीं खुलेगी तब तक फीस नहीं ले पाएंगे, और इसका नतीजा ये हुआ साहब कि आज तक हमारे 9 संचालकों ने आत्महत्या कर ली है। अब हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना जिगरा नहीं है कि हम हमारा 10वां भाई भी खो पाए। और हमने बकायदा राजस्थान के तमाम जिलों में जाके बीकानेर से लेके 31 जिले आज हमने कवर किए हैं, और तमाम कलेक्टर से हम लोग जाके मिले हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है, हम तमाम सीआईडी के स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में स्कूल संचालकों की जो मीटिंग आयोजित की गई, और माननीय हेमलता जी ने जो राज्य सरकार से निवेदन किया है और मांग रखी है कि स्कूलों को बचाने की, स्कूल के जो कार्यरत शिक्षक और संचालक जो आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं और आर्थिक परेशानी के कारण जो आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं, उनको बचाने का जो आह्वान है हेमलता जी ने किया है, मेरा भी मंत्री महोदय जी से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप इन स्कूलों को बचाने की कोशिश करें जो आज अच्छी शिक्षा मुहैया करवा रहे हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट के रूप में कार्य कर रहे हैं। कम से कम थोड़ा सा ध्यान हमारी निजी स्कूलों की तरफ भी ध्यान दें। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारा साथ मत दें, लेकिन हम जो सही कर रहे हैं तो कम से कम हमारा मोरल सपोर्ट करें, हमें बचाने की कोशिश करें ताकि हम भी आपके साथ रहे। अगर आप हमारे साथ अन्याय करेंगे तो हम भी आपके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे।